हेलो दोस्तों, आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार फिर से मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने किचन में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ होली पर बनने वाली स्पेशल चाट पापड़ी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 कटोरी मैदा ले लिया है। 2 कटोरी मैदा लेने के बाद 1 चम्मच अजवाइन लिया है, जिसे हाथों से अच्छी तरह से क्रश करके मैंने मैदा में मिला दिया है। अब इसके अंदर 1/2 चम्मच नमक डालूंगी। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। 1/2 कटोरी घी मेल्ट करके इसमें मिला दिया है। अब मैदा और घी को हम हाथों से अच्छे से मैश कर लेंगे। इस तरह से हाथों से रब कर करके अच्छे से इनको दोनों को मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा नॉर्मल पानी मिलाते हुए मैं मैदा के आटे को गूंद लूँगी। जो हमें आटा तैयार करना है, इसका बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए। हमें इसका पूरी जितना हार्ड आटा तैयार कर लेना है। अब इस आटे को हमें रखना नहीं है, बल्कि हम इसकी हाथ के हाथ ही पापड़ियाँ बनाएंगे। इस तरह से हाथों से मसल मसल के इसको प्लेन कर लेना है। अब छोटे छोटे से इस तरह से गोले निकाल लूँगी। मैं आपको 3 तरीके से पापड़ी बनाना सिखाऊंगी। जो भी तरीका आपको पसंद आए, आप उस तरीके से पापड़ी बना सकते हैं। सबसे पहले मैंने मैदा की छोटी छोटी लोई बनाई है, उनको गोल करके इस तरह से रख दिया है। और फिर कोई भी भारी चीज़ लेकर उसके ऊपर रख देनी है, जैसे कि चकला। इसमें आपको बेलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप भारी चीज़ हटाएंगे तो ये देखिए, ये अपने आप पापड़ी बन गई है। अब मैं आपको पापड़ी बनाने का दूसरा तरीका बताने जा रही हूँ। हमें ज़्यादा मैदा लेना है, उसको इस तरह से रोल कर लेना है और बड़ी सी रोटी का आकार का बेल लेना है। इसके बाद किचन में से कोई भी डिब्बे का ढक्कन ले लीजिए और इस तरह से हम दबा दबा कर पापड़ी की शेप में बना लेंगे। जैसे भी आपको पापड़ी चाहिए, छोटी या बड़ी, उस हिसाब से आप ढक्कन लीजिए। जो आपने ये बड़ी रोटी बेली है, ये बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पापड़ी पतली पतली ही अच्छी लगती हैं। आपने देखा कि मैंने बिना बेले ही पापड़ियाँ बना ली हैं। अब मैं एक एक करके इनको निकाल लूँगी, ये बहुत आसानी से निकल जाएगी। इस तरीके का फ़ायदा यह है कि इसमें एक ही शेप की बहुत सारी पापड़ी एक साथ बना सकते हैं। ये देखिए, मैंने कितनी सारी पापड़ियाँ बना ली हैं। अब मैं आपको तीसरा तरीका बताने जा रही हूँ, जिससे कि आप पापड़ी बना सकती हैं। हम गुथा हुआ मैदा लेंगे और हाथों से रोल करते हुए उसकी लंबी सी लोई बना लेंगे और चाकू की सहायता से इस तरह से इक्वल इक्वल काट लेंगे। अब एक एक लोई को लेंगे और हाथों से गोल गोल करते हुए उसको, जिस तरह से हम पूड़ी बेलते हैं, सेम उसी तरह से हम पापड़ी बेल लेंगे। पूड़ी थोड़ी मोटी होती है, लेकिन जो पापड़ी है हमारी काफ़ी पतली बनेगी। आप चाहें तो ऐसे भी पापड़ी तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने आपको 3 तरीके बताए हैं। आपको जो भी तरीका ज़्यादा सुविधाजनक ईजी लगे, आप वैसे ही पापड़ी बनाएं। पापड़ी फ्राई करने से पहले हमको ढेर सारी पापड़ी एक साथ बना के तैयार रख लेनी है और उसके बाद हम इसको एक साथ ही फ्राई करेंगे। इससे हमारे समय बचेगा और पापड़ी हमारी बहुत अच्छी और क्रिस्पी बनती हैं। अब एकदम खस्ता पापड़ी बनाने के लिए मैं दूसरी टिप आपको देने वाली हूँ। एक साथ पापड़ियों को इस तरह से एक के ऊपर एक करके लगा लीजिए और फोक की सहायता से उनको इस तरह से छेद छेद कर लीजिए। इससे क्या होगा, हमारी पापड़ी पापड़ी बनेगी, ना कि पूड़ी की तरह फूलेगी। इस तरह से एक साथ कई सारी पापड़ियों करने से आपका समय बचेगा। दोस्तों, हम जो ये पापड़ी बनाने जा रहे हैं, ये जल्दी से ख़राब नहीं होती। इसे कई महीनों तक स्टोर करके रखा जा सकता है। मैंने सारी पापड़ी बनाकर तैयार कर ली है और सभी में फोक की सहायता से इस तरह से छेद छेद कर दिया है, ताकि हमारी पापड़ी एकदम खस्ता क्रिस्पी बने। अब हम इसको तैयारी करते हैं फ्राई करने की। आप कोई भी तेल लीजिए, मैंने यहाँ पर सरसों का तेल लिया है। उसको पहले अच्छे से गर्म कर लेना है। जब वो फुल गर्म हो जाए तो आपको आँच को मीडियम कर देना है और एक एक करके इस तरह से पापड़ी डाल देनी है। पापड़ी डालते ही आपको उनको झर से नहीं लाना, एक के बाद एक पापड़ी डालते जाइए। कई सारी पापड़ी आप एक साथ डाल सकते हैं। जितने के तेल में डूब सके आपको उतनी पापड़ी डालनी है। जब सारी पापड़ी आपकी डल जाए तो गरम तेल लेकर उनको पापड़ियों के ऊपर डाल दीजिए। कुछ देर के बाद उनको झर की सहायता से हिलाइए। आपको आँच को बिल्कुल धीमा नहीं करना, नहीं तो अगर धीमी आँच में पापड़ियाँ सेकेंगे तो वो सारा तेल पापड़ियों में चला जाएगा। आँच बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं रखनी, नहीं तो पापड़ियाँ बहुत जल्दी जल जाएगी। आपको इस तरह से नॉर्मल आँच पर रखना है और पापड़ियाँ सेकते जाना है। जब पापड़ियाँ थोड़ी थोड़ी सिकने लग जाए, ब्राउन होने लग जाए, तो आप पापड़ी को इस तरह से पलट पलट कर सेक लीजिए। पापड़ी को अच्छी तरह से पलट पलट कर सेकते रहने से वो एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार होगी। ये देखिए, पापड़ियों का कलर कितना अच्छा आया है। एकदम पापड़ी क्रिस्पी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इनको निकाल लेते हैं।
पापड़ी को आप खुली छलनी में निकालें ताकि हवा लगने से ये और क्रिस्पी हो जाए। इसी तरह से मैं बाकी की सारी पापड़ियाँ भी फ्राई कर लूँगी, एकदम क्रिस्पी कर करके निकाल लेना है। और ये देखिए मेरी सारी पापड़ियाँ तैयार हो चुकी हैं। पापड़ी को हम इस तरह से खुले बर्तन में रखेंगे ताकि इसकी सारी नमी निकल जाए और जब हम इनको स्टोर करके रखें तो ये ख़राब ना हो। चलिए दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी पापड़ी चाट बनाना। हम एक सर्विंग प्लेट लेंगे और अपने पापड़ी को इस तरह से रख लेंगे। इसके साथ हमें चाहिए इमली की खट्टी मीठी चटनी, हरे धनिए की चटनी और दही, जिसमें हमने चीनी मिला के उसको एकदम स्मूदी क्रीमी कर लिया है। पापड़ियाँ रखने के बाद हम सबसे पहले इसके ऊपर दही डालेंगे। चाट में डालने से पहले आप दही को अच्छे से फेंट कर एकदम क्रीमी क्रीमी बना लें। दही डालने के बाद हम इसके ऊपर इमली और गुड़ की खट्टी मीठी चटनी डालेंगे और उसके बाद हरे धनिए की चटनी। अगर आपको इन चटनियों की रेसिपी चाहिए तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इसके बाद थोड़ी सी पापड़ी और क्रश करके डाल देंगे। इसके ऊपर फिर थोड़ा सा दही और दोनों चटनियाँ मिला देंगे। इसके बाद मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ थोड़ी सी भुजिया, उसके बाद लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर। ये सब डालने के बाद आपकी होली स्पेशल चाट पापड़ी एकदम रेडी है। आप भी खाइए, मेहमानों को भी खाइए, होली को एंजॉय कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।